नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आजकल एड़ी में दर्द की समस्या या हील पेन की समस्या बहुत आम हो गई है। जैसे ही पेशेंट बहुत देर आराम करने के बाद या सोकर उठने के बाद ज़मीन पर पैर रखता है तो उसके दर्द जो होता है, एड़ी का दर्द होता है, वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, होता क्या है कि हमारे पैर और हमारे एंकल जॉइंट में ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें लगभग 100 टेंडॉन्स होते हैं, 30 के ऊपर जॉइंट्स होते हैं और बहुत सारी बोन्स होती हैं, इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो कई बार हम समझ नहीं पाते कि दर्द कहाँ से शुरू हो रहा है, दर्द कहाँ हो रहा है, और धीरे धीरे ये दर्द फिर बढ़ता जाता है और ये समस्या गंभीर हो जाती है। तो हम आज बात करने वाले हैं कि ये हील पेन क्या होता है, ये हमें क्यों हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और हम घर में इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी एड़ी में जो दर्द होता है या जो हील पेन होता है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसमें से 3 जो मोस्ट कॉमन कॉज हैं, उसमें से पहला है जो है वो है प्लांटर फैसेटिस। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पैर के तलुओं में एक बैंड होता है, उसे प्लांटर फेशिया बोलते हैं। वो हमारे टोज से हमारी हील को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। जब किसी भी कारणों से, या तो कोई इंजरी हो गई है या कोई एक पुरानी इंजरी है उसको इग्नोर किया गया है, या फिर ओवर स्ट्रेचिंग के कारण उस बैंड पे तनाव पड़ता है या प्रेशर पड़ता है, तो वो जो फेशिया होता है वो डैमेज हो जाता है। वो डैमेज हो जाता है तो उसके कारण वहाँ सूजन आती है, इन्फ्लेमेशन आता है, पेन होता है, तो पेशेंट को हील का दर्द शुरू हो जाता है। और ये जो पेन देखा गया है कि बहुत देर तक बैठे रहने के कारण या खड़े होने के कारण या सो के उठने के बाद ये तकलीफ बढ़ जाती है हील के पेन की। नंबर 2 रीज़न होता है एचिलस टेंडोनाइटिस। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर के पैर के जो पीछे वाला हिस्सा होता है, वहाँ काफ मसल से लेके तो हील तक एक टेंडन होता है, उसे एचिलस टेंडन बोलते हैं। इसमें भी यदि किसी इंजरी के कारण या फिर स्ट्रेचिंग गलत तरीके से कर ली है या ओवर यूज़ हो गया है, पेन था और आप उसको यूज़ करते जा रहे हैं, तो वो जो टेंडन है वो डैमेज हो जाता है, वहाँ पेन होने लगता है, वहाँ सूजन आ जाती है पेशेंट को और उसकी हील में जो होता है दर्द शुरू हो जाता है। इसमें नंबर 3 जो रीज़न होता है वो होता है हील स्पर, मींस हमारी एड़ी की हड्डी का बढ़ जाना। एक्चुअली होता क्या है कि जो हील होती है और जो आर्च होती है, उसके बीच की जो हड्डी होती है वो बढ़ जाती है और उसके कारण आसपास के एरिया में प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिससे कि वहाँ पर पेन होता है, सूजन आती है और पेशेंट की हील में दर्द शुरू हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में जिसके कारण हमारे शरीर में हील पेन या एड़ी की समस्या बढ़ जाती है या शुरू हो जाती है। उस पर सबसे नंबर 1 पे यह है कि यदि कोई इंजरी हुई है हील वाले हिस्से में या फुट में कोई इंजरी हुई है और उसको ध्यान नहीं दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है, तो भी उस जगह के जो टेंडॉन्स हैं या उसके लिगामेंट्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं और वहाँ प्रेशर पड़ता है और पेशेंट को हील पेन शुरू हो जाता है। इसमें नंबर 2 रीज़न ये होता है कि कभी कभी कोई एथलीट या नॉर्मल लेमेन भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी एकदम से बढ़ा देते हैं, तो वो फिजिकल एक्टिविटी एकदम से बढ़ने से भी हील में पेन आने लगता है और पेशेंट को तकलीफ शुरू हो जाती है। नंबर 3 इसमें ये होता है एज फैक्टर। कभी कभी ये भी देखा गया है कि 40 से 60 जो एज होती है, उस एज में लोगों को हील पेन की तकलीफ ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें एक मोस्ट कॉमन कॉज ये भी देखा गया है कि पुअर फिटिंग शूज़ पहनने से, मतलब जो शूज़ आपके नाप के नहीं हैं, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, वो शूज़ बहुत टाइम तक पहनने से या हाई हील शूज़ भी बहुत टाइम तक पहनने से भी पेशेंट को हील पेन की तकलीफ शुरू हो जाती है। और पेशेंट को यदि कैल्शियम या प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो भी एड़ी का दर्द हो सकता है। और कभी कभी जो पेशेंट होता है वो बिना वार्म अप किए यदि बहुत हार्ड एक्सरसाइज शुरू कर देता है तो भी हील पेन की समस्या हो सकती है। दोस्तों, किसी किसी ऑक्यूपेशन में भी पेशेंट को एड़ी का दर्द शुरू हो जाता है, जैसे कि टीचिंग जॉब या किसी और जॉब में जिसमें बहुत टाइम तक हार्ड सरफेस पे खड़ा रहना पड़ता है, उससे भी पेशेंट को एड़ी में दर्द शुरू हो जाता है। और
वजन बढ़ने के कारण भी पेशेंट की एड़ी पर प्रेशर पड़ता है, एंकल जॉइंट पर प्रेशर पड़ता है और पेशेंट को एड़ी का दर्द शुरू हो जाता है। और कभी कभी देखा गया है कि किसी के वॉकिंग स्टाइल से, उसके चलने उठने बैठने के तरीके से भी एड़ी पर प्रेशर पड़ता है और उसका एड़ी का दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब यदि मैं इसके घरेलू उपाय या इसकी प्रिवेंशन की बात करूं, तो इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको कारण बताए हैं रिस्क फैक्टर्स के, वो आपको सारे अवॉइड करने चाहिए। और नंबर टू, यदि आपको इंजरी के कारण, आपको लग रहा है कि मुझे एक्यूट इंजरी हुई है, उसके कारण यदि हील में पेन हो रहा है, तो दिन में 2 बार आइस पैक्स की सिकाई करना बहुत लाभदायक हो सकता है इस टाइम पे। और दूसरा, जब आपको हील में पेन है, तब शरीर को और हील को स्पेशली रेस्ट देना चाहिए। और नंबर 3, यदि आपको लग रहा है कि पेन बना हुआ है, तो इसमें कंट्रास्ट थेरेपी मींस आपको गर्म ठंडी सिकाई जो होती है वह यहाँ बहुत लाभदायक होती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 2 बाल्टियों में पानी लेना है, एक में पानी गुनगुना रहेगा और एक में नॉर्मल टैप वाटर, और 3 मिनट आपको गुनगुने पानी में पैर रखना है और 2 मिनट आपको ठंडे पानी, मतलब जो नॉर्मल टैप वाटर है, उसमें पैर रखना है। ऐसे आपको 3 सेट करने हैं। ऐसे करके आपको 15 मिनट सिकाई सुबह करनी है और 15 मिनट सिकाई शाम को करनी है। दोस्तों, यदि 8 से 10 दिन तक आप इस तरह की सिकाई करते हैं तो बहुत रिलीफ मिलता है हील के पेन में। अब हम यहाँ पर इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें नंबर 1 पर मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लो 6X। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को हील स्पर या उसकी एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है और उसके कारण वहाँ दबाव पड़ता है और पेशेंट को पेन होने लगता है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और वो जो बोन की जो ग्रोथ हो गई है उसको धीरे धीरे खुलाने लगती है, डिजॉल्व करने लगती है। अब इसी कड़ी में जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो रूटा। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसके कार्टिलेज पे, टेंडन पे या लिगामेंट पे कोई इंजरी हो गई है या वहाँ उसको दर्द बना हुआ है, सूजन बनी हुई है। स्पेशली इस मेडिसिन को हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसके जो पीछे वाला टेंडन है, जो हमने बात की एचिलस टेंडन, वहाँ की यदि स्वेलिंग हो गई है, तब इस मेडिसिन में हम बहुत अच्छा रोल होता है। और यदि इंजरी के बाद भी यदि पेशेंट को एड़ी में दर्द बना हुआ है, तब भी इस मेडिसिन को देने से पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है रेस्टॉक्स। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब उसके लिगामेंट में या टेंडन में इंजरी हो गई है या फिर वह बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ या ओवर स्ट्रेचिंग के कारण वो फटीक हो गई है, थक गई हैं, तब इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल होता है दोस्तों। और रूमेटिज्म के कारण भी यदि पेशेंट के एंकल जॉइंट में या हील में पेन बना हुआ है, तब भी रेस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इसमें एक बहुत मार्क सिम्टम होता है कि पेशेंट को कंटिन्यूड मोशन से आराम मिलता है, लेकिन यदि वो बहुत टाइम तक बैठा हुआ है और एकदम से खड़ा होता है, तो उसके हील में बहुत ज़्यादा पेन होता है उस टाइम। इस कड़ी में एक और मेडिसिन है रोडोडेंड्रॉन। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट का कोई पुराना दर्द एकदम बारिश के मौसम में या बिजली कड़कने वाले मौसम में एकदम फिर से उठ के आता है और उसको बहुत फटने वाला, उसको लगता है उसकी एड़ी फट जाएगी, इस तरह का यदि दर्द होता है, तब इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है दोस्तों। और यह मेडिसिन टेंडन पे, लिगामेंट पे और रूमेटिज्म पे बहुत अच्छा काम करती है। तो यदि किसी कारण से इन जगहों पर सूजन आ रही है, स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है, तब भी ये एड़ी के दर्द में अच्छा काम करती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके हील पेन को ठीक होने में इससे हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, माय चैनल। थैंक यू।